Okay then, next performer, Anand. Nice book. Thank you. मैंने चांद जो अटका था फलक से उखाड़ फेंका, तारे खुरच डाले जो चिपके थे आकाश की चादर पर, और दफन कर दिए तारे जगमग सारे तले मिट्टी के, नाखूनों के फावड़ों से पुरेत फुरेत कर डाल दी मिट्टियां, मिट्टियां इस देश की उस देश की, मिट्टियां यहां वहां की, जिनमें अब खुशबुएं नहीं आती, जिनमें अब गीत नहीं उठते, खेती कविताओं की नहीं होती, फल कहानियों के नहीं झूलते, बुझा डाले सूरज में मैंने अब अपना अंधेरा, जगमगाता है ना उजाला ही अब स्याह हो पाता है, एक चिपचिपा सा समय हर पल पैरों पर कसा हुआ सा लगता है, हवाएं अब चल नहीं पाती क्योंकि पेड़ पौधे मैंने नोच डाले, बालियां खेतों में अब लहलाती नजर नहीं आती, धान गेहूं चावल मकई बाजरा कुछ भी नहीं उगते अब यहाँ, तवा मिट्टी से बना कब का रौंद डाला मैंने, जिस पर कभी माँ की उंगलियां लगते ही रोटियां मुस्कुरा कर नाच उठा करती थी, महक उठती थी जिस पर आकर अक्सर टूटा बाजरा भी जुड़ जाया करता था, भूख या भूख जैसा ही कुछ लगने पर अब लैपटॉप और मोबाइल खा लेता हूँ, बहुत सारा डेटा निकल लेता हूँ, सपने खत्म हो चुके हैं, आते नहीं क्योंकि उसके लिए पहले नींद का आना जरूरी होता है, विल्सन, जो कि अब नाराज है क्योंकि अब कोई सोता नहीं है, यहाँ तक कि पलकों ने भी अब झपकना बंद कर दिया है, पुतलियां भी अब गतिहीन है, होंठ तलक अब किसी के नहीं हिलते क्योंकि भाषाएं अब मर चुकी हैं, उन्हें एक मोटी परत वाले लोहे के संदूक में बांधकर तेजाब की नदियों में फेंका जा चुका है, अब तक की लिखी पुस्तकें जिनमें संचित था सभ्यता का इतिहास, संस्कृति की परंपराएं, एकीकृत था अध्यात्म, अंकित था ज्ञान, कबीर नानक रैदास मीरा प्लेटो अरुस्तु खलील के शब्द विचार उनके नष्ट कर दिए गए हैं, चारों तरफ एक विचित्र सी स्तब्धता है, न कोई सुख है न कोई दुखी है, ना ही अब कोई पीड़ित होता है ना ही कराहता दर्द से, आंख का पानी अब मर चुका है सबकी, कोई अब किसी की आंख में झांकता नहीं है, काम क्रोध लोभ मोह तथाकथित वासना जिनसे चलता था जगत का कारोबार अब नहीं है, अब नहीं मारता लहू किसी का उछाल, जीने का अब कोई औचित्य न रहा, और सबसे बड़ी क्षति पहुंची है प्रेम को, हाँ अब किसी को प्रेम नहीं होता, क्या यूं कहें कि प्रेम नहीं, खुद को दूर किसी ऊंचे से टॉवर की अंधेरी चिमनी में बंद कर लिया है और ओढ़ लिया है भस्म का कम्बल, अब कोई मनुष्य किसी मनुष्य को चूमता नहीं क्योंकि अब राजा नहीं होता, मुस्कुराता वो शख्स अब नजर नहीं आता जो घुटनों के बल बैठकर अपनी माशूका को वो कांटों वाला फूल देता जिसे दुनिया ने गुलाब कहा, कुतिया के पिल्लों के पैदा होने पर अब किसी बच्चे का मन उन ताजे मुलायम खुशबूदार फरिश्तों की आंखें देखने का नहीं करता, कोई छत पर जाकर अब चरखी पकड़े पतंग नहीं उड़ाता, ना ही कटकर हवा में तैरती पतंग लूटने ही कोई दौड़ता है क्योंकि सद्दी और मांझा अब सलाखों के पीछे बंद है, जीवन का बिल्कुल भी अवशेष नहीं बचा है अब यहाँ क्योंकि लोग अब मरा नहीं करते, उनके खून में अब हीमोग्लोबिन नहीं बनता, रक्त पानी या पानी जैसा ही कुछ बन पड़ा है जो बहता नहीं बस स्थिर जमा रहता भीतर सुगठित सुसज्जित शिराओं में नसों में, पक्षी के स्थान पर अब कई यंत्र दिखा करते हैं जिनमें अक्सर स्थिर पलकों वाले जीव दिख जाते हैं, हाँ मैंने पंछी नौच डाले गर्दने मरोड़ डाली उनकी उन परिंदों की जो मेरे लिए कभी खत लाया करते थे जिनके पंखों को स्याही में डुबोकर मैं कविता लिखा करता था क्योंकि शासकों का फरमान था विकास को
तरक्की को अपने चरम तक पहुंचाने का। थैंक यू।